नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं अंकिता, और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल को 8211 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद शंकर सिंह के समर्थकों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती 37668 वोटों से हार कर तीसरे स्थान पर रही। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में बीमा भारती को क्षेत्र के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का समर्थन मिला हुआ था। कलाधर मंडल जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं 59578 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने बड़ी जीत यहां पर हासिल की है। रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय विधायक ने जीत हासिल की है। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ अनिल सिंह हमारे संवाददाता पूर्णिया से फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल, बड़ी जीत यहां पर देखने को मिली है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि निर्दलीय विधायक ने यहां पर इस सीट से जीत हासिल की है। जी अंकिता, मैं बता दूं तो ये क्षेत्र जो है पहले से बीमा भारती के क्षेत्र में था, क्योंकि 5 बार वहाँ विधायक रही थी। लेकिन वही निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की बात करें तो क्षेत्र में ये पूर्व में भी विधायक रहे थे, और उसके बावजूद हारने के बाद भी ये क्षेत्र में कंटिन्यू लगे हुए थे, और जिसका परिणाम अभी इनको मिला है कि क्षेत्र की जनता ने इन्हें जीत दिलाया है। बिल्कुल, इस जीत को लेकर इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शन अभी तक सामने आ पाया है? अभी इनकी पत्नी का बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया कि ये हमारे जीत नहीं है, ये पूरी जनता की जीत है। जनता समर्थक तो हमारे साथ में थे, जिसको लेकर यहाँ पे हमारी जीत हुई है। बिल्कुल, साथ ही साथ कड़ा मुकाबला यहाँ पर बीमा भारती की तरफ से भी देखने को मिला, लेकिन वो यहाँ पर सामना नहीं कर पाई और उन्हें हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा। कौन से ऐसे खास चीजें रही हैं जिसकी वजह से शंकर सिंह ने यहाँ पर बाजी मार ली है? बेसिकली क्षेत्र में जो विकास की बातें हुई थी वो धरातल पे दिख नहीं रही थी, जिसको लेकर के यहाँ पे शंकर सिंह का जो है दबदबा यहाँ पे कायम हुआ, और जिसको लेकर के यहाँ पे जीत दर्ज हुई। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बिहार में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने आज 30 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, जहां लोग आफत की बारिश से परेशान हो चले हैं। तो वहीं बिजली गिरने से 24 घंटे में 12 जिलों में 21 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में आकाशीय बिजली से मधुबनी में 6, औरंगाबाद में 4, पटना में 2 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, सारण, कैमूर, गोपालगंज, लखीसराय, मधेपुरा और सुपौल में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बिहार से ब्यूरो चीफ राजा तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजा, जिस तरह से स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है, आफत की बारिश अब साबित हो रही है और कई लोगों की जान जा चुकी है बाढ़ और बारिश के वजह से, और कई लोगों की जान गई है आकाशीय बिजली की चपेट में आकर। ये पिछले बिहार में कई दिनों से बारिश जारी है, जिसके चलते कई जिलों में बाढ़ आ गई है। वहीं अगर पिछले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो बिजली गिरने से कुल 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से शुक्रवार को दी गई, जिसमें सबसे ज्यादा 6 मौतें मधुबनी में हुई, इसके बाद औरंगाबाद में 4, पटना में, रोहतास में 2, भोजपुर, कैमूर, सारण, जहानाबाद, गोपालगंज, सुपौल, लखीसराय, मधेपुरा जिलों में 1-1 मौत हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौतों पर हुए शोक व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक को 4-4 लाख रुपए उनके परिजन को देने का अनुग्रह राशि घोषणा किया गया। बिल्कुल राजा, मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम का मिजाज देखने को मिल सकता है? अभी देखिए, अभी तो बारिश को लेकर यहाँ पे अलर्ट जारी है बहुत सारे जिलों में। कुछ जिले तो ऐसे हैं जो कि ऑरेंज जोन में हैं, और सब जगह अलर्ट जारी है भारी बारिश को लेकर, और जिला प्रशासन की तरफ से हमेशा अपील भी किया जा रहा है कि सुरक्षित रहें।
प्रशासनिक इंतजामों की बात करें राजा, तो प्रशासन कितना मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो बिहार है वहाँ पर नदियाँ उफान पर आ रही हैं, वहीं थोड़े से बारिश के बाद ही कई शहरों में कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं, तो इसको लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? देखिए, बाढ़ प्रभावित जितने भी इलाके हैं उन सभी इलाकों के जितने भी जिलाधिकारी हैं और जिला प्रशासन की बैठक लगातार सभी अधिकारियों के साथ होते रह रही है, प्रखंड स्तर के अधिकारियों तक के साथ उनकी बैठक लगातार होते रह रही है और हर एक गतिविधि पे उनकी पैनी नजर है। हालांकि अभी तक कोई हताहत जानमाल होने की सूचना नहीं है कभी किसी भी बिहार के जिले से बाढ़ को लेकर, लेकिन अगर इस प्रकार अगर कोई ऐसी अगर असुविधा होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। चलिए राजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।